अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है यूट्यूब स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, वक्त गुज़रने के साथ साथ हर मैनुअल चीज़ ऑटोमेटेड या ख़ुद मुख्तार हो गई है। इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत मुस्बत तब्दीलियां भी आई हैं। ज़िंदगी आसान हो गई है और काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ गई हैं। ज़रात का शोबा देख लें, किसान की सुबह मुंह अंधेरे से शाम गए तक की मेहनत कम हो के ना होने के बराबर रह गई है। अब उसका काम सिर्फ़ एक निगरान और इवेल्युएटर का रह गया है, जबकि पैदावार पहले की निस्बत कई गुना बढ़ गई है। इसी तरह सनती शोबे में भी बहुत तरक्की हुई है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आई हैं और अप टू डेट हो गए हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी इनकलाब आया है। ज़राए मवासलात और आमदोरफ्त में भी खासी तब्दीलियां रूनमा हुई हैं और ये खासे मुतासर और मुअसर हो गए हैं। हर एक को इंटरनेट पर मॉनिटर भी किया जा सकता है और ऑपरेट भी किया जा सकता है। इससे माशरे पर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए हैं। तालीमी शोबा भी इस इंटरनेट के दौर में बहुत तब्दीली के अमल से गुज़रा है। बच्चों की तवज्जो ऑनलाइन वसाइल और यूट्यूब और बाकी दीगर वसाइल की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी रिलायंस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से किताब की वो अहमियत नज़र नहीं आती। इसी तरह असातिज़ा को भी बच्चे अब थोड़ा कंपैरिजन में देखते हैं, जो शायद हमारे दौर में चीज़ें नहीं थीं। बच्चों की कोशिश होती है कि वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा तक रसाई हासिल कर लें। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा मुस्बत तर्ज़ अमल है, लेकिन एक बात याद रखने की है कि अगर आपने किताब को, असातिज़ा को, क्लासरूम को अच्छे तरीके से नहीं अहमियत दी, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज या यूट्यूब रिसोर्सेज इतने ठोस तरीके से मदद फराहम नहीं कर सकते। वरना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती हैं। किताब को पढ़कर, असातिज़ा के लेक्चर्स को सुनकर, देखकर, सब कुछ जो यूट्यूब ज़राए से हासिल होता है, असल फ़ायदा मंद वो तभी होता है जब आप उनको भी प्रॉपर कंपैरिजन में साथ साथ लेके चल रहे हैं। किताब की अहमियत और हैसियत से इनकार मुमकिन नहीं। ये आपको एक निसाब फराहम करती है। यूट्यूब की अहमियत भी एक तरह से बहुत वाजे होती जा रही है, क्योंकि एक ही टॉपिक और उनवान पे बहुत सारे असातिज़ा की वीडियोस मुयस्सर होती हैं। किताब से पढ़े हुए और अपने असातिज़ा से समझा हुआ टॉपिक बड़ी आसानी से यूट्यूब वीडियोस की मदद से कंफर्म किया जा सकता है। अब थोड़ा मुवाजना करते हैं कि दोनों में कौन सा सोर्स ज़्यादा एक्सेसिबल है, किताब या यूट्यूब। बच्चों, किताब आपको मार्केट से आसानी से दस्तयाब है, जिसकी कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं होती, तलबा की रसाई और अप्रोच में होती है। यूट्यूब हर एक को मुयस्सर नहीं है। इसके लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन दरकार है, फिर इसी से गुजारा नहीं होता, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल यूट्यूब पे भरोसा नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई के हवाले से। दोनों का इस्तेमाल तबादले के साथ बहुत ज़रूरी है। मतलब मुतबादल तौर पे आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। किसी एक के ऊपर रिलायंस जो है वो आज के तलबा के लिए मुमकिन नहीं। हमारे दौर में तो किताब ही होती थी, किताब ही सब कुछ होता था। तलबा जो असातिज़ा पढ़ाते थे उसी को वैल्यूएबल समझते थे। आज के तलबा नो डाउट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और रीजनिंग हो गए हैं। रीज़न के ऊपर जो है वो ज़्यादा लॉजिक के ऊपर जोर है।
इसलिए वो बाकी ज़राए या वसाइल को भी कोशिश करते हैं कि वो अहमियत दें और वक्त दें, जिसमें यूट्यूब जो है वो सबसे ज़्यादा मुअस्सर और इस्तेमाल होने वाला ज़रिया है। किताब में मवाद इंतखाब शुदा होता है, जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से तरतीब दिया गया होता है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मवाद मैसर होने की वजह से तलबा फिर भी अक्सर कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। मतलब यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल होता है। एक टॉपिक है अगर वो आपके लेवल के मुताबिक है आपकी किताब में, लेकिन यूट्यूब पे आपको कई असातिज़ा की तरफ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि शायद आपके लिए रेलिवेंट नहीं है और ना ही आपके लिए उसका समझना और उसका पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन आपके इंडिपेंडेंट होते हैं वहाँ पे, इसलिए इस पोजीशन में नहीं होते कि उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि क्या वाकई ये चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। तो किताब और असातिज़ा की रहनुमाई जो होती है वो आपको एक लिमिट मुहैया करती है। यूट्यूब की अहमियत उन तलबा के लिए ज़्यादा है जिनके पास सारे वसाइल तो मौजूद हैं लेकिन कोई अच्छा टीचर और इदारा उनकी रहनुमाई के लिए नहीं है, तो वो अपनी पढ़ाई का सिलसिला ऑनलाइन यूट्यूब मवाद से चला सकते हैं। यूट्यूब उन तलबा के लिए भी अहम है जो जॉब्स करते हैं और वो अपनी प्रोफेशनल एनरिचमेंट बहुत से पहलुओं के ऊपर कर सकते हैं यूट्यूब लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स की मदद से। अच्छा, वो रहनुमाई जो होती है वो अपनी जॉब में होते हुए भी ले सकते हैं। बाज़ुकात बंदा ब्रेक में होता है, बाज़ुकात बंदा किसी ऐसी लेयर पोजीशन में है कि उसको वो टाइम है तो वो उसको लेक्चर को ऑन कर लेगा, ट्यूटोरियल देख लेगा और अपना जो मतलूबा नुक्ता है उसको वो समझ लेगा। और फिर यूट्यूब ऐसे जॉब होल्डर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो अपनी तालीम अधूरी छोड़ के तो काम में जॉब में लग गए लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लिहाजा यूट्यूब पे उनके लेवल का या उनकी ज़रूरत का मवाद चूँकि मौजूद होता है लिहाजा वो अपनी सहूलत के औकात में ऑनलाइन लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स से अपना मकसद हासिल कर सकते हैं और अपनी तालीम को पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो दूर दराज इलाकों के जो मुतवस्सत और गरीब तलबा जो अपनी पढ़ाई, किताबों और यूनिफॉर्म, गाड़ियों के किराए, आने जाने की मुशक्क़त से सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अपना थोड़ा सा बजट मैनेज करके यूट्यूब के ज़रिए तालीम का सिलसिला जारी रख सकते हैं। मोबाइल कंपनीज़ के बहुत सस्ते इंटरनेट पैकेजेस खरीद के और एक कम कीमत मोबाइल खरीद के वो अपना मकसद पूरा कर सकते हैं, तालीम अपनी जारी रख सकते हैं। फिर वो टाइम टू टाइम किसी ऐसे उस्ताद या ऐसे जो पढ़े लिखे आदमी से वो गाइडलाइन ले सकते हैं, उन सीखे हुए या उन वीडियो लेक्चर्स को जो देख के उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट बनाया है उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बच्चों देखें, दोनों लिहाज से अगर हम देखें तो जो फॉर्मल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन है इसमें अगर मुवाजना किया जाए तो किसी भी लिहाज से जो फॉर्मल एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन होती है वो अपनी वैल्यू रखती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ज़्यादा मुवसर और इफ़ेक्टिव है क्योंकि वो हर चीज़ को जहन में रखते हैं। मतलब असातिज़ा के जहन में बच्चों की जो पोजीशन है वो भी होती है, बच्चे असातिज़ा के रिस्पॉन्सेज को देख रहे होते हैं, असातिज़ा बच्चों के रिस्पॉन्सेज को देख रहे होते हैं और फिर टाइम टू टाइम जो सिचुएशंस हैं वो हैंडल हो सकती हैं, उनको ब्रिज किया जा सकता है एक अच्छी हिकमत अमली के साथ। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। हाँ, ऑनलाइन स्टडीज़ में ये चीज़ ज़रूर फ़ायदा देती है कि लेक्चर को बार बार देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है, तो फिर ये एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाता है, लेकिन फिर भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं जितना बाकायदा तालीम या रेगुलर स्टडीज़। तो आखिर में हम इस बहस को इस नुक्ते पे ख़त्म करेंगे कि यूट्यूब
कभी भी किताब और जो रेगुलर स्टडीज़ हैं उनका मुतबादल नहीं हो सकती। जो बच्चे बाकायदा इदारों में तालीम ले रहे हैं उनके लिए इसकी इतनी अहमियत और अफादियत नहीं है, लेकिन जो तलबा एक गैर रस्मी अंदाज से तालीम से मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत अहम है। आखिर मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जो अच्छे असातिज़ा और एजुकेशनिस्ट हैं उनको चाहिए कि वो आसान फहम लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स अपलोड किया करें ताकि हर तरह के तलबा की तस्कीन हो सके और किताबी मवाद को समझना उनके लिए आसान हो सके। इस तरह एक तालीम का जो इफ़ेक्टिव सिस्टम है हम वो बना सकते हैं और YouTube फिर हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है और ज़्यादा तादाद में बच्चे जो हैं वो एजुकेट हो सकते हैं। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी, बाज़ औक़ात YouTube से ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो वाकई नॉलेजेबल होती हैं और हमारे प्रीवियस नॉलेज को वो अपडेट करती हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है इसे हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।